शख्स हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो इंडियन आर्मी से आए हुए हैं, इंडियन आर्मी को बिलोंग करते हैं, और इसके साथ साथ इनके बारे में एक और खास बात जो मुझे बताई गई है कि वो सिस्टम अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, वो सिस्टम में रहकर सिस्टम को अच्छी तरह से फॉलो करके व्हाटएवर टूल्स वी हैव बीन प्रोवाइडिंग देम उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, कैसे किसी चीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है, सिस्टम में अवेलेबल टूल्स को किस तरह से आप यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं हमारे अगले डबल डायमंड मिस्टर नरसी ग्रेवाल से। और इनको ऑनर करने के लिए मैं एक बार फिर से यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे डायरेक्टर्स मिस्टर राज आनंद एंड मिस्टर सिद्धार्थ सहगल। जोरदार तालियां। हमारे सामने हैं मिस्टर नरसी ग्रेवाल, साथ में उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे। कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो। कैन वी हैव द ट्रॉफी प्लीज? गर्म होते हैं, लेकिन आपने एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद छह करके ट्रिपल एच के इस परिवार को 1,00,000 से भी ज्यादा सदस्यों से भर दिया है। हो जाए, अभी मेरे को सुनने में आया है कि चाहते हैं कि 10,00,000 से भी ज्यादा हो जाएं, और आपके इसी तरह से एफर्ट्स होते रहे तो इस परिवार के लिए हमें लगता है नेक्स्ट ईयर से तालकटोरा की जगह कहीं ओपन प्रगति मैदान में हमें ये नेशनल कन्वेंशन करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज। अ वेरी बिग हैंड, जोरदार तालियों के साथ। क्या बात है, बहुत जोश है दोस्तों। मेरा नाम नरसी ग्रेवाल, और जो मैं जो कुछ भी हूं और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से हूं वो है सिक्योर लाइफ। क्योंकि सिक्योर लाइफ में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक साधारण सा क्लर्क था और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद इसमें चलना शुरू किया। तो जैसे ही चलना शुरुआत किया तो मेरा उंगली पकड़ लिया सिस्टम ने। अगर सिस्टम मेरे साथ नहीं होता और ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास में नहीं मिलती या मुझे नहीं मिलती तो मैं कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल जीरो था। कैसे सिस्टम ने मुझे उंगली पकड़ के आगे लेके गया, मैं इसका एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने ज्वाइन किया था, ज्वाइन करते ही मैं एक दिन बैंक में ड्राफ्ट बनाने के गया, और बैंक वाले साहब जो ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने एक फ्री की सलाह दे दी। क्या सलाह दे दी कि आप तो खुद तो कर रहे हो, दूसरे को क्यों फंसा रहे हो। और मैंने उसी टाइम बाहर निकला, मैं बाहर निकला और निकलते ही मैंने अपने अपलाइन से फोन मिलाया कि सर मुझे बैंक वाले साहब ऐसे ऐसे सलाह दे रहे हैं, कहीं उनकी बात सच्ची तो नहीं है। तो ओम प्रकाश जी ने एक ही बात बोली, हमारे अपलाइन ने एक ही बात बोली कि कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रेवाल जी, आपको भी लोग ऐसे आपकी टांग खींच रहे हैं, आपको फ्री की सलाह दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डायमंड बनने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन दोस्तों उस दिन ये बात मेरे को नहीं पची, मैंने सोचा लोग टांग खींचेंगे तो मैं डायमंड कैसे बनूंगा, ये तो उल्टी बात बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी सर को मैंने बोला, सर आप सही बताएं, मुझे सही गाइड करें। सर ने एक ही बात बोला, बोला दोस्त आप ये बताओ बैंक वाले साहब कितने रुपए सैलरी ले रहे होंगे। मैंने बोला सर 10,000-12,000 रुपए। और बोला जो हमारे सफल डायमंड है, जो हमारे आदर्श है, वो कितना ले रहे होंगे। मैं बोला सर 10,000-12,000 रुपए। तो बोला दोस्त अभी फैसला आपने करना है, अगर आप 10,000-12,000 वाले की बात मानोगे तो 1,000 वाला बन जाओगे, और लाखों वाले की बात मानोगे तो लाखों वाला बन जाओगे। थैंक यू दोस्तों। मैंने भी सोचा कि 1,000 वाले की बात मानूंगा तो 1,000 वाला बनूंगा, और लाख वाले की बात मानूंगा तो लाख वाला बनूंगा। क्यों ना लाख वाले की बात माना जाए, माननी चाहिए, ये सुन लो। और दोस्तों दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, ये डायमंड शिप या मरकरी या जो भी रिकॉग्निशन मिलती है सिस्टम में, कोई भी रिकॉग्निशन एबिलिटी के आधार पर नहीं और डिसीजन की वजह से मिलती है, डिसीजन की वजह से मिलती है। हमने प्लान देखा, सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए सोचा, उसमें योग्यता चाहिए थी या निर्णय चाहिए था?
ज्वाइन कर लिया और एक बार अपने डाउट क्लियर कर लिए, उसके बाद लोगों को प्लान दिखाने के लिए, मेरा सवाल है, प्लान दिखाया तो हमको रिजल्ट आने शुरू हुए, लेकिन प्लान दिखाने के लिए आपको निर्णय की जरूरत है या योग्यता की जरूरत है? निर्णय। और दोस्तों इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, उस टाइम पे आपको नम्र होना है, क्योंकि इस सिस्टम में हमारे जो आदर्श है वो अच्छी तरह से सिखाते हैं कि हमको नम्रता के साथ आगे बढ़ना है, दूसरों की मदद करना है। तो नम्र होने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमारे को निर्णय की जरूरत है या योग्यता की जरूरत है? निर्णय की जरूरत है। तो कहने का मतलब एक ही है कि यहाँ पे जो सफलता मिलती है वो आपके निर्णयों के वजह से मिलेगी। अगर आज आपने निर्णय ले लिया तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, आप सारे के सारे यहाँ पे एज ए मरकरी रिकॉग्नाइज होने वाले हैं, मुबारक हो। थैंक यू। तो एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे आदर्श लोगों ने, गुरु लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली है, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि दोस्तों आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख लो, दुनिया तो आपके ऊपर विश्वास करना सीख जाएगी। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया विश्वास कर पाएगी? और हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो आज नहीं कल दुनिया विश्वास करेगी? दोस्तों विश्वास का खेल है पूरा का पूरा इस दुनिया में, और विश्वास अगर हमने अपने ऊपर कर लिया तो सारी दुनिया हमारा विश्वास करना शुरू कर देगी। इसका मैं छोटा एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि कई लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं भ्रम में रह जाते हैं। जिसका एग्जांपल यह है कि एक बंदे को क्या हुआ, उसको मुर्गी से डर लगने लगा। एक लड़का था 18-20 साल का, उसको मुर्गी से डर लगने लगा। तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए, उनके पिताजी डॉक्टर ने समझाया, देखो बेटे ये मुर्गी का दाना है। बोला मुर्गी इससे बड़ी है? हाँ बड़ी है। मुर्गी इसको खा सकती है? बोला खा सकती है। आप मुर्गी से बड़े हैं? आप बड़े हैं। मुर्गी आपको खा सकती है? बोला नहीं। आप मुर्गी को खा सकते हैं? बोला हाँ खा सकता हूँ। तो उसको सोचा, बोला ठीक हो गया, उनको लेके जाओ। जैसे ही वो बंदा बाहर निकलते ही उसको फिर एक मुर्गी दिखाई दी, और दिखाई देते ही उसके माथे पे पसीना आ गया, चेहरा पीला पड़ गया और वापिस डॉक्टर साहब के चेयर के नीचे घुस गया। उन्हें डॉक्टर साहब ने सोचा बंदे को फिर ठीक करना पड़ेगा, फिर समझाता हूं उनको, फिर दोबारा पूछा, बोला बच्चे देख ये मुर्गी का दाना है? बोला हाँ दाना है। ये मुर्गी इससे बड़ी है? हाँ बड़ी है। मुर्गी इसको खा सकती है? खा सकती है। आप मुर्गी से बड़े हैं? आप मुर्गी से बड़ा हूं। बोला आप मुर्गी को खा सकते हैं? बोला हाँ खा सकते हैं। बोला मुर्गी आपको खा सकती है? बोला नहीं खा सकती। तो बोला ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ, जब आपको समझ में आ गई कि आप मुर्गी से बड़े हैं, मुर्गी आपको नहीं खा सकती, आप मुर्गी को खा सकते हैं, तो आपको डर किस बात का? बाहर जाते आप डरते किसको, क्यों हो? तो बंदे ने एक ही सवाल पूछा, बंदे को पूछा कि आप डरते क्यों हो? तो बंदे ने एक ही बात बोला कि साहब मैं तो समझ गया और मैं पूरा 100% आपके लॉजिक पे विश्वास करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा और मुर्गी अगर मिल गई तो मुर्गी को कौन समझाएगा? थैंक यू। तो सिर्फ एक बात है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लो, मुर्गी को समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझी है, लॉजिक है। अगर आप प्लान दिखाओगे तो अपने आप समझ जाएंगे लोग, सही है ये सब लोग? तो एक बात और, भगवान सभी को रोल देता है, किस रोल में हमारे को उतारा है वो रोल हमको पूरा करना चाहिए। एक भगवान के भगत थे, उन्होंने जंगल में गए, उन्होंने देखा कि भगवान किसी की मदद नहीं करता, लेकिन अचानक देखा एक हिरण के ऊपर शेर झपटा, शेर ने आधा खाया और आधा छोड़ दिया। एक बूढ़ी लोमड़ी उठी और उसने जाके आधे बचे हुए हिरण को खा लिया। उसने बोला यार ये तो भगवान तो करता है सचमुच मदद लोगों की, मैं भी जाके चुपचाप बैठ जाता हूँ। उसने चुपचाप बैठ गया, तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन तक भगवान ने उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं भेजा। तो उसने भगवान की अरदास की और उनसे कंप्लेन की कि भगवान आपने लोमड़ी को तो आपने हिरण का मांस दिला दिया, लेकिन मेरे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं भेजा, जबकि मैं आपका भगवान का भगत भी हूं। तो भगवान ने एक ही बात बोला कुछ लोगों को मैं इस दुनिया में लोमड़ी के रूप में या लोमड़ी के रोल में भेजता हूं, कुछ लोगों को शेर के रोल में भेजता हूं। बेटे आप शेर है, लोमड़ी नहीं, और अगर लोमड़ी नहीं है तो आपको शेर की तरह शिकार करके अपना रोल निभा करना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है
इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है, मुझे पूरा यकीन है कि आज इस स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे शेर है, एक भी लोमड़ी नहीं है। मुबारक हो। थैंक यू दोस्तों, जो भी कुछ है इस सिस्टम का है, जो भी कुछ है, जो रिकॉग्निशन मुझे मिली वो सारी अपॉर्चुनिटी की वजह से मिली, इन इतने अच्छे प्रोडक्ट की वजह से मिली। मैं इसलिए तहे दिल से हमारे अप्लाइंट, हमारे डायरेक्टर्स और सारे की सारी टीम और सारे के सारे लोगों का जो आज यहाँ पे आए उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, गो मरकरी।